नमस्कार दोस्तों, महात्मा जी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे कि डीटीएच पावर सप्लाई में जो आईसी लगी होती है उस आईसी को चेक कैसे करेंगे कि ये आईसी हमारी ख़राब है या सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो डीटीएच पावर सप्लाई में जो आईसी लगी होती है, इस आईसी की टोटल 8 लेग होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ पर 8 लेग होते हैं। इस आईसी को कुछ इस प्रकार से देखेंगे तो ये हमारे पिनआउट्स हैं, यहाँ 4 पिने यहाँ पे है और 4 पिने यहाँ पे हैं। इस आईसी के टोटल 8 पिन होते हैं और सभी पिनों में अलग अलग वैल्यू आती है। अगर सभी पिनों में सही तरीके से वैल्यू अगर मल्टीमीटर में शो नहीं हो रहा है तो ये आईसी हमारा ख़राब माना जाएगा। तो इसको चेक कैसे करेंगे सभी कुछ बताएंगे पूरी डिटेल्स में। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये आईसी ख़राब जनरली हाई वोल्टेज आने के कारण से भी हो सकते हैं या किसी भी कंपोनेंट में शॉर्टिंग होने के कारण से भी ये आईसी ख़राब हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, एक कॉमन मोड कॉइल लगी हुई है, ये कॉमन मोड कॉइल ख़राब होने के कारण से ये जो आईसी है ये आईसी हमारी ख़राब हो जाती है। और ये कॉमन मोड कॉइल ख़राब, यहाँ पे जो फ्यूज लगा हुआ है देख सकते हैं, इस फ्यूज बॉक्स में जो फ्यूज लगा हुआ है, इस फ्यूज में ज़्यादा एम्पियर का फ्यूज लगाने के कारण से ये फ्यूज हमारा बर्न नहीं हो पाता है, जिसके कारण से ये कॉमन मोड कॉइल ख़राब हो जाते हैं और इसके ख़राब होने के कारण से ये आईसी हमारी ख़राब होती है। तो आईसी ख़राब है या सही है इसको कैसे चेक कर सकते हैं? तो यहाँ पर आईसी में देख सकते हैं, एक यहाँ पे कट का मार्क दिख रहा होगा, देख सकते हैं कैमरे में, यहाँ पे जूम करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ जो कट का मार्क आप देख पा रहे होंगे, इस कट के मार्क को देख कर के ही आईसी को लगाना है। इस आईसी को गलत डायरेक्शन में बिल्कुल भी आप नहीं लगा सकते हैं और इस बोर्ड में भी यहाँ पर कट मार्क दिया हुआ रहता है, बोर्ड में भी सिंबल बना हुआ रहता है कट मार्क का। इस कट मार्क को आपको देख करके ही लगाना है आईसी को बिल्कुल सही डायरेक्शन में। उसके बाद यहाँ पर इस आईसी की पिनआउट्स को कैसे गिनेंगे? तो इस आईसी की पिनआउट्स जो होते हैं इसके यू शेप में गिनेंगे, इस प्रकार से गिनेंगे इसके पिनआउट्स को। तो यहाँ पर इस आईसी की पहला पिन ये हो जाएगा, पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से इस आईसी की पिने को आप काउंट कर सकते हैं। तो ये आईसी की जो पहली पिन है, ये पहली पिन ये हो जाएगी, दूसरी पिन, तीसरी पिन और ये चौथी पिन, कुछ इस प्रकार से यू शेप में गिनेंगे। तो इस प्रकार से आप इसके पिनआउट्स को अच्छे से गिन पाएंगे। अब पीछे साइड इस प्रकार से पलटेंगे तो ये हमारी यहाँ पे जो हो जाएगी पिन नंबर, कुछ इस प्रकार से इस बोर्ड को पकड़ेंगे तो यहाँ पे पिन को आप बहुत ही आसानी से गिन सकते हैं। देख सकते हैं पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से गिन सकते हैं। तो अब इसको टेस्ट कैसे कर पाएंगे कि ये आईसी हमारी सही है या ख़राब है? तो मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी रेंज पर सेट करना होगा। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर हमने सेट कर लिया है और मल्टीमीटर की जो ब्लैक प्रोब है वो आपको लगानी है यहाँ पे पिन नंबर तीसरे में। तो तीसरा पिन कौन सा है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3, ये हमारा पिन नंबर थर्ड है। तो पिन नंबर थर्ड में आपको मल्टीमीटर के जो ब्लैक प्रोब है उसको रखना है। उसके बाद सभी पिनों को इस प्रकार से कुछ टच करके देखना है, अगर इसमें बीप आ रही है, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बीप की आवाज़ आ रही है, तो ये आईसी हमारी ख़राब मानी जाएगी। इसमें बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी नहीं। और पिन नंबर 1 में अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, 2 में चेक करेंगे तो यहाँ पे बीप की आवाज़ आ रही है, और 3 में अगर 4 में चेक करेंगे पिन नंबर 4 में तो यहाँ पे कोई रीडिंग शो नहीं हो रही है। उसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे पिन नंबर 5 में तो यहाँ पे देख सकते हैं 926 के समथिंग यहाँ पे रीडिंग शो हो रहा है। उसके बाद पिन नंबर 6 में यहाँ पे
अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे ये ग्राउंड की पिन है, यहाँ पे बीप आती है, ये हमारे पिन नंबर 6 है। यहाँ पे जो रीडिंग शो हो रही है, यहाँ पे बीप की आवाज़ के साथ में रीडिंग शो हो रही है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बीप की आवाज़ आती है। उसके बाद पिन नंबर 7 और 8 देख सकते हैं, दोनों पिन आपस में एक ही पिन है। और यहाँ पे रीडिंग चेक करेंगे तो यहाँ 1200 के लमसम यहाँ पे रीडिंग शो होना चाहिए। अगर 1200 के रीडिंग लगभग शो होता है, 1200 के करीब अगर रीडिंग शो होता है तो ये हमारा आईसी सही माना जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग शो नहीं हो रहा है। अब मल्टीमीटर की प्रोब को कुछ इस प्रकार से पकड़ेंगे, प्लट करके रेड प्रोब को आपको लगाना है पिन नंबर 3 पर। उसके बाद बारी बारी से उसी प्रकार से चेक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं पिन नंबर 1 पर रीडिंग शो हो रही है। यहाँ पे 660 समथिंग यहाँ पे रीडिंग शो हो रही है। पिन नंबर दूसरे पर चेक करेंगे तो दूसरे पर भी रीडिंग यहाँ पे शो हो रही है 529। तो ये फिलहाल अभी तक तो सही इसमें रीडिंग शो हो रही है। उसके बाद थर्ड नहीं फोर्थ में यहाँ पे चेक करेंगे तो फोर्थ में यहाँ पे कुछ शो नहीं होना चाहिए। उसके बाद 5 में चेक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 693 94 के समथिंग यहाँ पे रीडिंग शो हो रहा है पिन नंबर 5 पर। उसके बाद पिन नंबर 6 पर यहाँ पे रीडिंग शो नहीं होगी, चूंकि दोनों आपस में ग्राउंड होती है, दोनों पिन थर्ड और यहाँ पे 6 पिन आपस में ग्राउंड होती है। उसके बाद 7 में यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पे शो होनी चाहिए आपको 1200 के लगभग। तो यहाँ पे 1309 10 मल्टीमीटर में शो हो रही है, तो ये रीडिंग बिल्कुल सही शो हो रहे हैं। तो ये जो आईसी है ये हमारी सही है, इसमें सभी रीडिंग इक्वल आ रहे हैं, जितना रीडिंग आना चाहिए सभी रीडिंग यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार से जब भी चेक करेंगे तो पिन नंबर 5 और 6 और यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर 4 और 1 में आपको बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ इस तरीके से आती है पिन नंबर 6 पर और पिन नंबर 5 पर और यहाँ पे पिन नंबर 4 पर अगर रीडिंग नहीं आ रही और बीप की आवाज़ आ रही है मल्टीमीटर में, तो ये आईसी हमारी ख़राब मानी जाएगी। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आपको इस आईसी को कैसे चेक करना है आप ज़रूर सीख गए होंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए। और कोई भी कमेंट्स अगर आप करना चाहते हैं इस DTH पावर सप्लाई के कंपोनेंट्स के बारे में, जो जो फॉल्ट्स आते हैं उन फॉल्ट्स के बारे में कमेंट करके पूछना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।